आज हम दो रेसिपी बनाएंगे, जिसमें से एक है मेवा पाक की रेसिपी और सिंगाड़े की आटा की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच गोंद, 2 चम्मच पिस्ता, 2 चम्मच सूरजमुखी का बीज और 20 से 25 काजू, 20 से 25 बादाम, 1 सूखा किसा हुआ नारियल और 1 कटोरी मखाना। ये सभी चीज़ें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले पैन में हम 2 चम्मच देसी घी डालकर सारे ड्राई नट्स, बादाम, काजू, पिस्ता और सूरजमुखी के बीज को ब्राउन होने तक फ्राई कर प्लेट में निकाल लेंगे। अगर घी कम लगे तो घी डालकर गोंद को चटकने या फूलने तक फ्राई कर निकाल लें। किसे हुए नारियल को लो टू मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक फ्राई कर प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह मखाने को भी थोड़ा घी डालकर ब्राउन होने तक फ्राई कर निकाल लें और इस बात का ध्यान रखें कि सभी चीज़ें लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करें। ठंडा होने के बाद सभी को एक साथ जार में डालकर दरदरा पीस लें। इस तरह दरदरा पीस लें, इसे फाइन पाउडर ना करें। अब हम पाक के लिए चाशनी तैयार करेंगे। 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी शक्कर डालकर एक तार की चाशनी बना लें। गैस बंद कर सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला लें। पहले से ही ट्रे या प्लेट में घी लगाकर रख दें, ताकि गरम मिक्सचर को उसमें डालकर जमने के लिए रख दें। सेट होने के बाद बादाम और पिस्ता से सजा लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसे काट लें और हमारा मेवा पाक बनकर तैयार है। अब हम हमारी दूसरी रेसिपी सिंगाड़े के आटा की बर्फी बनाएंगे। एक पैन में 4 से 5 चम्मच घी डालेंगे और सिंगाड़े का आटा डालकर ब्राउन होने तक भून लेंगे। ब्राउन होने के बाद आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट पानी और शक्कर मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन में 3 गिलास पानी और 1 कटोरी शक्कर डाली हैं। शक्कर के घुलने के बाद भुना हुआ आटा मिलाएंगे और इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। गाढ़ा होने के बाद इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच मगज डालकर अच्छे से मिला लें। आप चाहें तो इसमें काजू बादाम भी मिला सकते हैं।
गैस बंद कर थाली में घी लगाकर गरम बैटर को डालकर अच्छे से सेट कर लें। मैंने यहाँ इसे सजाने के लिए बादाम और पिस्ता का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी ड्राई नट्स डाल सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसे काट लें। ये लीजिए, हमारी स्वादिष्ट सिंगाड़े की बर्फी बनकर तैयार है।